तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल MR रोस्टिंग न्यूज वेब में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहने के लिए तो लाल कलर का बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर अभी क्या है, रायपुर में बड़ा विमान हादसा, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर, दो पायलट की हुई मौत। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सरकारी हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, दो पायलट की हुई मौत। उसके बाद कश्मीर में आतंकियों ने सरकारी ऑफिस में घुसकर कश्मीरी पंडित को गोली मारकर की हत्या। उसके बाद में विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, पत्नी अपील कल बंद रखे अनोखा ओखाल की दुकान। उसके बाद में है कि रनिल विक्रम सिंघे को मिला श्रीलंका को संकट से निकालने का जिम्मा, छठी बार बने प्रधानमंत्री। उसके बाद में पापा के प्रॉब्लम को देखकर जब रोने लगी, जब देखकर जब पीएम से बात करते रोते हुए रोने लगी लड़की, तो खुद भी भावुक हुए प्रधानमंत्री। उसके बाद में है, अब आईएएस अफसर पूजा सिंगल सस्पेंड, ईडी के सामने सीए ने कबूला बरामद कैश का राज। उसके बाद में है ज्ञानवापी का फैसला देने वाले जज को डर, बोले डर का माहौल बनाया गया, पत्नी और माँ को हर वक्त मेरी फिक्र रहती है। उसके बाद में केरल में मानसून 1 जून को आता है, 5 दिन पहले आ सकता है। वैसे यह बात सही है कि केरल में भी बहुत बारिश हो रही है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गर्मी से मिलेगी राहत, 15 मई को मौसम की पहली बारिश की उम्मीद, 2 दिन बाद अंडमान पहुंचेगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। ताजमहल पर PhD करो, कोई रोके तो बताना, 20 बंद कमरे खुलवाने की मांग पर बोली HG जज। उसके बाद में यूपी देवेंद्र सिंह चौहान प्रदेश के कार्यवाहक DGP बने, बुधवार रात हटाए गए थे मुकुल गोयल CM के OSD भी बदले। उसके बाद में खबर आती है कि चिंतन शिविर से पहले अशोक गहलोत का टाइमिंग भरा बयान, राहुल गांधी बने कांग्रेस अध्यक्ष। राज्यसभा की 57 सीटों पर बीजेपी को फायदा, पर बहुमत से दूर ही रहेगी, AAP का बढ़ेगा कद। इसके बाद में उत्कर्ष समारोह, 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अब क्या करने वाले हैं पीएम मोदी, खुद ही बताना अगला। पोता पोती पैदा करो नहीं तो 5 करोड़ 2, बुजुर्ग दंपति का केस, कहा बेटे को विदेश पढ़ाया, दुल्हन को ऑडी दी। यूपी के फैसले, यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने किया फैसला। ये भाई कुछ हद तक ठीक है। एनडी मंडी पंचतत्व में विलीन हुए पंडित
सुखराम राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। मैं एक और मस्जिद नहीं खोना चाहता। वैसी साहब का बयान, मैं एक और मस्जिद नहीं खोना चाहता। सुप्रीम कोर्ट जाएं ज्ञान वापसी मामले पर बोले वैसी। अगर मुस्लिम पक्ष नहीं आया तो सीधे फैसला सुना देंगे। जानिए क्यों भड़क गए हाई कोर्ट। चंद्रग्रहण पर 80 साल बाद दुर्लभ संयोग। चलिए आप बात कर लेते थोड़ी राशिफल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आते हैं मेष राशि। तो पुराने प्रोजेक्ट की सफलता में अधिक आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप दूसरों पर थोड़ा अधिक खर्च कर सकते हैं। विवाद और मतभेदों के कारण घर में कुछ तनावपूर्ण क्षण हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लेकर आएगा और आपको प्रफुल्ल लित रखेगा। काम और घर का दबाव आपको थोड़ी गुस्सा दिला सकता है। मुश्किलों से जल्दी निपटने की आपकी क्षमता आपको एक खास पहचान दिलाएगी। आज का दिन आपके लिए और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयता का सही समय है। उसके बाद में आता है राशि वृष राशि। वृष राशि, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनके विवाद करने की बजाय विवादों से दूर रहें। इस राशि के व्यवसायी आज किसी ऐसे बिजनेस योजना के भागीदारी बनेंगे जो आपके करियर की दिशा बदल सकती है और हो सकता है यह प्रोजेक्ट विदेश से जुड़ा हो। उसके बाद में मिथुन राशि। रचनात्मक शौक आज आपको सुकून का अनुभव कराएंगे। अतिरिक्त पैसा रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है और आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व से कुछ नए दोस्त बनाएंगे। अचानक हुई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है और कार्य क्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव लाने में सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको तेजी से कार्य करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके बाद में आते हैं कर्क राशि। आज आपका सुझाव आध्यात्मिक की ओर रहेगा। आज आपका मन साहित्यिक बातों को पढ़ने में लगा रहेगा जिनसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए विचार मिल सकते हैं। इस राशि के छात्र आज अपनी पढ़ाई में बदलाव कर सकते हैं ताकि आप इस बेहतर करियर बना सकें। उसके बाद में नंबर आता है सिंह राशि का। सिंह राशि, आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके पास पहले से है। जब आप अकेलापन महसूस करें तो अपने परिवार की मदद लें। यह आपको डिप्रेशन से बचाएगा। साथ ही यह आपको समझदारी से निर्णय लेने में मदद करेगा। अचानक हुई
रोमांटिक मुलाकात आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। उसके बाद में नंबर आता है कन्या राशि। आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे आप पूरे मन से करेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के लोग जो स्टील के बर्तन का व्यवसाय करते हैं, आज उनके लिए धन कमाने का योग बन रहे हैं, जिससे आपका पूरा दिन खुशियां भरा रहेगा। इस राशि के जन विवाहितों का आज कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहिए, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। उसके बाद नंबर आता है तुला राशि। तुला राशि तरोताज़ा रहने के लिए अच्छा आराम करें। लंबी अवधि के मुनाफे की दृष्टि से शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश फायदेमंद रहेगा। अर्थ के तर्क वितर्क विचारों में तनाव का माहौल बना सकता है। याद रखें कि बहस से मिली जीत असल में जीत नहीं होती, और इससे किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। इससे बचने के लिए जहां तक हो सके अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। इसके बाद में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर अभी तक हमारे चैनल MR रोस्टिंग न्यूज़ वेब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसी तरह के हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे रोस्टिंग टीवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी इसी तरह के नेक्स्ट न्यूज़ लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।